Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today we will discuss number series. Number series are important from exam point of view because CSAT ke exam ke andar do number series to aapko mili jati hai har bar. Ek se do number series. To agar do number series hamare exam mein aa rahi hai, that means ki 5 marks aapke pakke hai na. But jo number series hai, number series beta practice mangti hai. That means कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है नंबर सीरीज पे. और नंबर सीरीज एक ईजी टॉपिक है, ईजी टॉपिक है. सेम टाइप ऑफ सीरीज रिपीट होती है बार बार, सेम कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है. तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो इन दैट केस ये आप 5 नंबर्स ईजीली ले सकते हो. ओके तो अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं. आज के क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ. तो सभी ने मेरे साथ में सॉल्व करना है, सभी ने सॉल्व करना है. सो स्टार्ट कर रहे हैं. यस, देयर इज फर्स्ट सीरीज ऑन द स्क्रीन. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सीरीज क्या है आपके पास, 28, 32, 23, 39, 14 एंड 50. ओके अब यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शन है, फोर ऑप्शन है 5, 14, 24 एंड 1. हाँ जी, जब भी आप नंबर सीरीज देखते हो तो उस केस में जो फर्स्ट थिंग दैट शुड बी कम इन योर माइंड दैट कि सबसे पहले हम उनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि जो नंबर्स गिवन है वो नंबर्स कैसे हैं. जो नंबर्स हैं दे आर नियर बाई नंबर्स, ओके, या फिर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, या फिर वो जो नंबर्स हैं दे आर स्क्वायर और क्यूब्स ऑफ एनी नंबर, है ना. तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपने रखे हैं माइंड में, फिर सॉल्व करना है. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सीरीज है तो इस सीरीज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, दिस इज 28, 32, 23, 39, 14, 50 एंड देन द क्वेश्चन मार्क. अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नंबर जो है वो क्या है, नियर बाई नंबर है. सो एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं इनका कि कितने कितने का डिफरेंस है. कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, क्योंकि जो अपने सीरीज है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज है, कहीं पे कुछ प्लस है तो कहीं पे कुछ माइनस है. तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दिस इज प्लस फोर एंड देन -9, ओके, देन +16 एंड हेयर यू कैन सी दिस इज -25 एंड देन +36. अब एक तरह से ये भी आपको एक दूसरी सीरीज मिल गई आफ्टर डिफरेंस, एक दूसरी सीरीज आपको दिख रही है जिसमें स्क्वायर ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. एंड हर बार हो क्या रहा है, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है. ओके, दैट मीन्स कि फॉर द नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस प्लस क्या आएगा आपके पास, माइनस. और क्या आएगा, यस दिस इज 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 7 स्क्वायर. एंड वी नो दैट 7 स्क्वायर इज 49, सो दिस इज 49. ओके, मींस व्हाट, कि अब जो मेरे पास नंबर है उसके अंदर से मुझे क्या करना है, आई विल सब्ट्रैक्ट 49. सो 49 को अगर मैं माइनस करती हूँ 50 से, देन आई विल गेट 1. क्या मिलेगा मुझे, 1 मिल रहा है. सो दिस इज योर आंसर. क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ऑप्शन डी 1 विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर, हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन. तो सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी ने साथ साथ में ट्राई करना है कि हाँ कितनी सीरीज आप कर पा रहे हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अगेन यहाँ पे है, क्या है आपके पास, 132, 156 क्वेश्चन मार्क, 210, 240 एंड 272. अब देखो, अब इन नंबर्स के बीच में देखो आपको अगर हम डिफरेंस देखते हैं, अगर अब वही है हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि डिफरेंस होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखती हूँ तो यहाँ पे आप देखो कितने का डिफरेंस है, दिस इज 24. ओके, अब बीच में आ रहा है, थोड़ा आगे देखते हैं कि हाँ क्या हमारे पास. अब मैं इसको आपको डायरेक्टली भी लॉजिक बता सकती हूँ, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे. वी शुड नो कि कैसे सीरीज को हमने देखना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, कि क्या यहाँ पे लॉजिक हो सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. तो यहाँ पे देखो 24 का डिफरेंस है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है. और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में डिफरेंस कितने का आ रहा है, यस दिस इज 2 एंड दिस इज 32 का डिफरेंस आ रहा है. ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में नेक्स्ट क्या हो सकता है. अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करती हूँ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है. अगर हम 2 का डिफरेंस लेके चलते हैं, 2 का डिफरेंस लेके चलते हैं, तो हमारे पास में वैल्यूज क्या बनेगी, यहाँ पे 26, देन 28, फिर
अगर हम 2-2 का डिफरेंस लेके चलते हैं तो हमारे पास में ये वाली वैल्यूज बन रही हैं, है ना? क्या कि अगर हम 2 का डिफरेंस लेते तो यहाँ पे 26 का डिफरेंस आना चाहिए, फिर 28 का डिफरेंस बनना चाहिए, है ना? बट अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगर मैं 26 इसमें ऐड करती हूँ, 6 कितना हो गया आपके पास 2, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में 8 and 1, दिस इज 182. अब नेक्स्ट के साथ चेक करो कि क्या मेरे पास नेक्स्ट 28 का डिफरेंस है. 28 का डिफरेंस है. अब यहाँ पे चेक करो, अगर मैं इसके अंदर 28 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आती है? अगेन दिस इज 210, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. तो क्या आ गया आपके पास में? दिस इज 182. डन. अब यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका समझने वाला कि चलो आंसर तो हमारा आ गया, नेक्स्ट थिंग इज क्या एक सिंगल सीरीज डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक से भी बन सकती है? अब कई बार क्या होता है, मैं कहती हूँ मेरा तो ये वाला लॉजिक लगा था, अब दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लॉजिक लगेगा. तो यू शुड नो कि देयर कैन बी मोर देन वन लॉजिक फॉर ए सेम सीरीज, हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार आपके पास में एक ही सीरीज के लिए 2 से 3 लॉजिक हो, बट हो सकते हैं. अब जैसे यही वाली सीरीज है, इसको अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ओके अब इन नंबर्स को थोड़ा सा सभी ध्यान से देखेंगे. अगर मैं देखूं 132 इज इक्वल टू व्हाट? 11 into 12, यू नो 11 into 12 इज इक्वल टू व्हाट? 132. अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं देखती हूँ 12 into 13, ये 12 मेरा आगे चला गया, कितना बनेगा? दिस इज 156. ओके अब अगर मैं नेक्स्ट देखूँ 13 into 14, अगर हम 13 into 14 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? दिस इज 182. ओके अगेन दिस इज 182. अब अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क इन मिड है, इन दैट केस आपको नेक्स्ट के लिए भी चेक करना है कि हाँ क्या सेम लॉजिक आगे बढ़ रहा है. अब नेक्स्ट के लिए क्या करोगे? 14 into 15. इफ आई से 14 into 15, देन यस दिस इज 210, एंड दिस इज 15 into 16, एंड देन 16 into 17. That means for the same series we can apply 2 logics. तो दोनों के दोनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं. सो आपने ये नहीं देखना है कि हाँ जी ये लॉजिक मैडम ने लगाया तो हमने भी यही लॉजिक देखना है. यू विल प्रैक्टिस ऑन मोर एंड मोर सीरीज सो दैट कि आपको लॉजिक्स बिल्ड करने आ जाए, ठीक है? जस्ट पर चेक ये जरूर करना है कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क इज इन द मिड ऑफ द सीरीज, इन दैट केस यू विल चेक फॉर द नेक्स्ट कि जो आपने लॉजिक लगाया है वो नेक्स्ट पे भी अप्लीकेबल है. That should be applicable for next. If it is not applicable on next, then in that case, वो logic आपको cancel करना है और दूसरे logic की तरफ सोचना है. Clear? Yes. Next देखते हैं हम. Next question है इन पे. हाँ जी. Next question है screen पे. क्या है यहाँ पे? 10, 22, 46, 94 and 190. Yes. सभी करेंगे. Try करिए सभी. हाँ जी. आया logic कुछ mind में? देखो क्या है 10, 22, 46, 94 and 190. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. हाँ जी. अगेन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्या बन रहा है अपने पास में. अगर मैं कह रही हूँ कि 10, 22, 46, 94, 190, तो मेरे माइंड में एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट देखो कि एक तो सीधा सीधा हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं. पॉइंट क्या है? डिफरेंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस इज 12, देन 24 का डिफरेंस है, एंड उसके बाद में आपके पास 48 का डिफरेंस है. और आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास में डिफरेंस कितने का आ रहा है? दिस इज 96 का डिफरेंस है. ओके अब यहाँ से क्या मिला मुझे? क्या बन रहा है? 12 into 2 into 2 into 2. दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, इंटू टू. अगर मैं यहाँ पे करती हूँ इंटू टू तो क्या बना हमारे पास में? दिस इज 192, एंड वी विल एड 192 इन दिस टर्म. 190 तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2. ओके एंड 998 एंड दिस इज 382. तो क्या आ गया आपके पास आंसर? आंसर इज 382. अगेन यू कैन अप्लाई द सेकेंड लॉजिक. क्या
सिंपल हमारे पास में क्या है, दिस इज 10, 22 आंसर आ गया है. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड यू कि लॉजिक कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, तो आप देखो थोड़ा डिफरेंट वे से भी सोचना है. व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इन दैट केस आपको सीरीज के अंदर से देखना है कि हाँ क्या मैं कुछ और लॉजिक भी अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 10, 22 ठीक है, 46, 94 and 190. डन. अब देखो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, 10 into 2 + 2 कितना हो गया 22. फॉर द नेक्स्ट वन 22 into 2 कितना बन गया 44 + 2 दिस इज 46. देन 46 into 2 + 2 कितना आ गया, दिस इज 94. एंड द 94 into 2 कितना है आपके पास में, दिस इज 188 एंड प्लस 2 190. डन. तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे हम, 190 into 2 380 + 2 = 382. फॉर द अदर क्वेश्चंस आई विल गिव यू ओनली वन लॉजिक. बस मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पे थोड़ा सा आपने सोचना है कि क्या क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो सकता है. रीजन बिंग कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी के अंदर बेटा क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना. डिफरेंट वे से भी क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, तो इससे आपका एक लॉजिकल माइंड के अंदर डेवलप होगा कि हाँ जी लॉजिकली हमने कैसे सोचना है. एक बार अगर आपको लॉजिकली क्वेश्चंस को चेक करना आ गया तो उसके बाद चाहे तो आप नंबर सीरीज कर रहे और यू आर डूइंग ऑन सम अदर टॉपिक, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा. चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, चाहे आपके पास में सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो सभी ने ट्राई कर रहा, जब आप प्रैक्टिस करो जो किसी भी टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा सा सोच के चलना कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से करेंगे, सभी जल्दी से करेंगे क्या. 763 - 6 क्वेश्चन मार्क एंड -114. यस, क्या है 763 - 6 क्वेश्चन मार्क एंड -114 यही आ रहा है. ओके, दैट मीन्स व्हाट के क्या हो रहा है, हर बार सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज है, हर बार माइनस हो रहा है कुछ, है ना. हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस कर देते हैं. क्या चेक कर लेते कितना माइनस हो रहा है, दिस इज -1, दिस इज -3. ओके, एंड देन दिस इज व्हाट, अब बताओ कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे, 3 से 0 तक क्या 3, एंड आगे -6 है, दैट मीन्स कि कितना माइनस है, यस -9. अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाई थ्री, नेक्स्ट टर्म इज अगेन मल्टीप्लाई बाई थ्री, सो 27. सो -27, जब हम बात करते हैं -27 - 7 - 27 कितना बनेगा, दिस विल बी -33. सो द टर्म विल बी -33. Now the question mark is in the mid of the series, that means what, we will check for the next one also. So yes, next is what, multiply by 3, that means ki 81, -81. So again you will check -33 - 81 will be equal to what, -114. So this is absolutely correct. Done. So let us move to the next one. Next question is what, 7459 question mark 52.5. Now point is there in the series. Point. जब भी बात आ रही है point की, that means कि कहीं ना कहीं हमें point वाले number के साथ में कुछ multiply करना है ना, point के साथ, that means कि half हो सकता है, 1.5 multiple हो सकता है, ठीक है, 2.5 multiple हो सकता है, या कुछ एडिशन में point की value कुछ add हो सकती है ना. तो अब इसको थोड़ा सा analyze करके देखना है कि जो first term है, सीधी सी बात क्या आ रही है यहाँ पे कि आपको मल्टीपल चेक करना है, मल्टीपल. ओके, अब वो मल्टीपल आपका लेस देन वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है. सो अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल चेक करूँ, दिस इज नियर बाय हाफ, नॉट हाफ कंप्लीट बट नियर बाय हाफ. सो 7 का अगर मैं हाफ करती हूँ देन इट विल बी व्हाट, दिस इज 3.5.
3.5, but the next term is 4. So to get 4, I have to add 0.5 also. So I will add 0.5. So this will be 4. But the next term is 5. That means multiple of 1. 1 ke multiple ke nearby hai. So 4 into 1 is equal to 4. And when I will add 4, 1. So I will get 5. अब देखो यहां पे जब आप यहां तक पहुंच गए उसके बाद देखिए क्या चेक कर रहे हैं हम. यस, क्या हो रहा है? हाफ वन. अब सिर्फ दो तरह की सीरीज बनती है ज्यादातर इस केस के अंदर. क्या बनेगा आपके पास में लॉजिक? हाफ वन टू फोर एट सिक्सटीन, ऐसे ही मल्टीपल कर लो एंड देन कुछ ऐड कर लो. या तो कुछ एडिशन के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, या तो ये लॉजिक आपको मिलेगा, या फिर क्या हो सकता है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह. एंड देन प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आपके पास में हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही टर्म चल रही है. देन आई विल चेक फॉर द नेक्स्ट वन. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ जी मल्टीप्लाई बाई टू करें, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा. 10 हो गया, बट 10 इज मोर देन 9, सो ये तो नहीं लगेगा. सो वी विल चेक फॉर दिस वन, मीन्स 1.5. सो अगर आई मल्टीप्लाई दिस 5 × 1.5, कितना आ गया आपके पास? दिस इज 7.5. 7.5 प्लस एट द सेम टर्म 7.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9. डन. नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं देखती हूँ 9, तो अब क्या आ गया? हाफ वन 1.5, देन इट इज 2. नेक्स्ट 18 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास? 20. सो 20 विल बी द करेक्ट आंसर, बट द क्वेश्चन मार्क इज इन द मिड ऑफ द सीरीज, सो यू विल चेक फॉर द नेक्स्ट ऑल्सो. सो दिस इज 20 × किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाफ वन 1.5, टू देन 2.5, सो दिस इज 2.5. ओके, 2.5 कितना आ गया आपके पास? दिस इज 50 प्लस 2.5, दिस इज 52.5 एंड दिस इज द नेक्स्ट टर्म. सो योर आंसर विल बी 20 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं हम. अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. यस, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड इफ यू आर न्यू यूजर ऑन योर चैनल, देन सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट 4, 18, 60, 186. यस, आप देखो 4, 18, 60, 186 मीन्स छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं. मीन्स वट? कि कहीं ना कहीं कुछ मल्टीपल का लॉजिक हो सकता है. यू विल चेक फॉर ऑल द लॉजिक्स, यू विल चेक फॉर द ऑल द लॉजिक, बट यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे. दिस इज द लॉजिक. क्या हो रहा है? फोर को अगर मैं अब यहाँ पे चेक करूँ, दिस इज यस नियर बाई मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज नियर बाई मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज नियर बाई मल्टीपल ऑफ 3. ओके, तो अब देखो अगर हम देखते हैं तो क्या बन रहा है आपके पास में? 4 × 3 = 12, 12 + 6 = 18. नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज 86, नॉट 80, दिस इज 86. नेक्स्ट टर्म 18 × 3 = 54 + 6 = 60. 60 × 3 = 180 + 6 = 186. So in the next again we will multiply it by 3 and then add 6. कितना आ गया? ये हो गया आपके पास में 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54 and 355. Yes, 558 + 6 = 564. क्या आ जाएगा? 564 will be the correct. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज 2, 7, 17 क्वेश्चन मार्क 77, 157.
2717 क्वेश्चन मार्क 77157. द सीरीज स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल नंबर एंड एंड्स विद अ बिगर नंबर, है ना. इन दैट केस देयर कैन बी मल्टीप्लीकेशन लॉजिक. तो आपने चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है. सो 2717 क्वेश्चन मार्क 77157 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 + 3. दिस इज 7, देन 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 + 3. दिस इज 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 कितना आ जाएगा. यस, हाँ जी, कितना आ गया आपके पास. दिस इज 37. क्लियर. सो आंसर इज 37, बट द क्वेश्चन मार्क इज इन द मिड, सो वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो. सो 37 × 2 कितना आ गया ये आपके पास में. दिस इज 74, 74 + 3 दिस इज 77 एंड दिस इज द नेक्स्ट टर्म. दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट. एक्यूरेसी चेक हो जाती है आपकी अगर आप नेक्स्ट टर्म के लिए चेक कर लेते हो तो. ओके, नेक्स्ट देखिए 0418 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 448. अब जो सीरीज शुरू हो रही है आपकी जीरो से सीरीज शुरू हो रही है. अगर हम एडिशन का देखते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लो मैं कहती हूँ कि चेक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 14 और आगे आगे जाके डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो, है ना. दैट मीन्स कि एडिशन का लॉजिक तो नहीं लगेगा, डिफरेंस का नहीं जाएगा. अब कुछ सीरीज, कुछ टिपिकल सीरीज एग्जाम में कई बार आ जाती है जिसका आपको लग रहा है कि हाँ जी कुछ मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं बन रहा, कुछ डिफरेंस से भी नहीं बन रहा, तो वो जो कुछ सीरीज है वो आपको माइंड में रखनी है लाइक दिस. यस, ये जो सीरीज है ये बेटा क्या है, देखिए क्यूब. अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे पास में क्या है, अगर मैं कहती हूँ 1 में से 1 को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, आई विल गेट 0. इसी तरह से 4, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं 2 क्यूब के अंदर से 2 स्क्वेयर को माइनस कर दूँ कितना आ गया, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 कितना आएगा आपके पास. यस, सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो देन 3 क्यूब - 3 स्क्वेयर 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड 27 में से अगर मैं 9 माइनस करती हूँ इन दैट केस आई गेट 18. सो आप देख सकते हो सेम है ये. कुछ सीरीज है स्क्वेयर में से क्यूब का, स्क्वेयर का डिफरेंस क्यूब का एंड डायरेक्ट डिफरेंस स्क्वेयर एंड नंबर का डिफरेंस, ये कुछ सीरीज है. यू लर्न दिस सीरीज. ओके, सो नेक्स्ट इज 4 क्यूब - 4 स्क्वेयर क्या आएगा आपके पास, 64 - 16. ओके, कितना आ गया, दिस विल बी 48. सो योर आंसर विल बी व्हाट, दिस इज 48. चेक फॉर द नेक्स्ट टर्म 5 क्यूब - 5 स्क्वेयर 125 125 - 25 दिस विल बी 100 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 100. दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. सो क्या आ गया आपके पास आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द क्वेश्चन, 1 2 3 10 क्वेश्चन मार्क 9802. हाँ जी, देखो क्या बन रहा है. अब जो सीरीज है दैट इज बिगनिंग विद वेरी वेरी स्मॉल नंबर 1 बट एंडिंग विद वेरी लार्ज नंबर. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ मल्टीपल होगा, एडिशन का लॉजिक नहीं हो सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, मल्टीपल का लॉजिक होगा. देन थिंक अबाउट द मल्टीप्लीकेशन लॉजिक. सो यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे नंबर को देखती हूँ तो 1 से जा रहा है 2 एंड 2 से जा रहा है 3 2 से 3 है और 3 से सीधे का सीधा क्या जा रहा है, यस 10 10. अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई इसको 1 का मैं स्क्वेयर करती हूँ, ठीक है, 1 का स्क्वेयर करूँ और उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2. अगेन मैं 2 का स्क्वेयर करूँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास में 2 का अगर मैं स्क्वेयर करती हूँ और उसके अंदर से क्या बन गया मेरे पास, 4 है, 4 बन गया, बट नेक्स्ट टर्म इज 3. सो अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूँ तो क्या आ गया, 3 आ गया. लॉजिक बिल्ड करना आपने, एक बार प्लस किया, मैंने माइनस किया,
नाउ आई विल चेक कि नेक्स्ट टर्म में अगर मैं प्लस करूं और फिर नेक्स्ट टर्म में मैं माइनस करूं तो क्या मेरे पास ये नंबर मिल जाएगा. सो चेक करते हैं. सो 3² + 1 दिस इज 10. यस बिल्कुल मिल गया. अब यही सेम लॉजिक हम नेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स कि 10² के अंदर से 1 को माइनस कर देंगे. कितना आ गया, 100 से 1 माइनस किया, दिस इज 99. कितना आ गया आपके पास, 99 आंसर आ गया. बट यू विल चेक फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो. 99² - 1. 99² कितना होता है, 9801. ठीक है. अब यहां पे हमने क्या करना है, प्लस माइनस क्या करोगे, प्लस करेंगे. कितना आ गया, 9802. एंड दिस इज द नेक्स्ट टर्म. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. आवर आंसर इज करेक्ट. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए. हाँ जी, सभी चेक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 8, 15, 28, 53 क्वेश्चन मार्क एंड 199. करिए ट्राई. 8, 15, 28, 53, 199 द नंबर्स आर नियर बाय द मल्टीपल, और यू कैन से डबल के नियर बाय नंबर्स आ रहे हैं ना सभी के सभी. तो डबल के नियर बाय नंबर है और क्या हो रहा है, 8 × 2 = 16, 16 - 1 = 15. तो क्या हो गया अपने पास में, क्या लॉजिक लगा मेरा कि यहाँ से मैंने इसको 1 माइनस किया, आई गेट 15 एंड देन 15 × 2 = 30. बट हेयर इट इज 28. दैट मीन्स कि आई हैव टू माइनस 2. सो कितना आ गया, 28 × 2 = 56. कितना है, 56. बट 56 नहीं मेरे पास, यहाँ पे क्या है, 53. दैट मीन्स कि क्या माइनस करना पड़ेगा, 3. नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे, 4. तो 53 × 2 कितना आ गया, 106. 106 और उसमें से क्या करेंगे हम, 4 माइनस करेंगे. सो 102. सो करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 102. कोई माइनर सा डाउट किसी को, यू कैन चेक फॉर द नेक्स्ट टर्म आल्सो. क्या है नेक्स्ट टर्म, 102 × 2 कितना बन गया, 204. 204 में से क्या माइनस करना है, 1, 2, 3, 4 - 5. दैट मीन्स 199 एंड हेयर इट इज 199. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 102. ओके. सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसी सीरीज हम इजीली कर लेते देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू नीड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस सभी ने करनी है बिकॉज नंबर सीरीज के लिए प्रैक्टिस मस्ट है. एंड इफ़ यू नीड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इन दैट केस यू कैन चेक फॉर द माइक्रो कोर्सेज. माइक्रो कोर्स अवेलेबल है, आप माइक्रो कोर्सेज चेक कर सकते हो. ओके. अब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है माइक्रो कोर्सेज का, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं. अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको चाहिए कि मुझे प्रैक्टिस के साथ साथ में कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएँ, तो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है. इसी तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लाइक नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको कहाँ जाना है, माइक्रो कोर्सेज में जाना है. डन. अब दूसरा पॉइंट आता है, देयर आर सम एस्पिरेंट्स जिनको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, दे आर सर्चिंग फॉर ए कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स. सो फॉर द कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स यू कैन चूज अवर कोर्स. दिस इज ए लाइव कोर्स. लाइव कोर्स अभी पीडिया ने लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा एंड द मेन फोकस विल बी ऑन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन. क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कराया जाएगा. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरी डिटेल में आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यही मेन क्यूरी आ रही है बच्चों की, क्या मैम इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा करेंगे. यस, डेफिनेटली वी विल कंप्लीट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है. सो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे एंड देन जब आप रिविजन करते हो तो उस टाइम पे आपने देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी पहले प्रैक्टिस करनी है. ओके. बट एक बार आपको सिलेबस पूरा करना है बिकॉज अभी टाइम है अपने पास में, आराम से आप कर सकते हो एंड यूपीएससी है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना. तो एक बार सिलेबस सभी ने कंप्लीट करना है एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस यू विल प्रैक्टिस मोर ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनमें से प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस आ रहे हैं,
ठीक है ना, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट अभी टाइम क्या है आपके पास, कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने का। अब उसके अंदर इस कोर्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड क्या क्या करवा रहे हैं, दे आर सम लाइव लेक्चर्स, 100+ लाइव लेक्चर्स हैं, देन यू गेट प्रैक्टिस टेस्ट विद ईच लेक्चर, हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट है, यू कैन प्रैक्टिस विद दैट टेस्ट, वेब नोट्स आर अवेलेबल एंड PDF मिल रही है आपको लेक्चर की, हर एक लेक्चर के साथ में आपको लेक्चर की PDF मिल रही है, वेब नोट्स मिल रहे हैं और एक प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहा है, साथ में ही उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ओके, सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको डेमो लेक्चर्स चेक करने, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू टेक द ट्रायल कि मुझे एक बार ब्लूप्रिंट मिल जाए पूरे कोर्स का कि क्या क्या टॉपिक्स करा रहे हैं, क्या है सिलेबस में, क्या सारा कुछ, तो उस केस के अंदर यू कैन टेक द ट्रायल आल्सो, 3 days फ्री ट्रायल इज अवेलेबल, आप ट्रायल ले सकते हो। ओके, आफ्टर ट्रायल अगर आपको लगता है कि मैंने कंटिन्यू करना है, देन यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो चेक द डिस्क्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। सो थैंक यू।